गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े अब 50 के नीचे आ रहे हैं। सोमवार को 24 घंटे के अंदर केवल 21 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,333 पहुंच गया है। इनमें 18,548 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 315 है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 470 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जाँच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, ये बेहद सुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में सतर्कता रहने की जरूरत है। ठंड के मौसम में कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की आशंका बन रही है, ऐसे में लोगों को बताई गई सावधानियों को बरतने की जरूरत है। सोमवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 7 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर, तिवारीपुर और कोतवाली में एक एक, गोरखनाथ और राजघाट थाना क्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 5 नए मरीज मिले हैं। इनमें बेलघाट में 1, चरगावा में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 2 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।